बाढ़ आपदा चेक वितरण न होने पर ग्रामीणों ने किया तहस घेराव। आपको बता दें कि खटीमा में बाढ़ आने से शहर हो या गांव, सभी के घरों में पानी घुस गया था, जिसके चलते सभी लोगों को नुकसान पहुंचा है। वहीं धामी सरकार द्वारा तत्काल आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए सभी आपदा पीड़ितों को 5,000 रुपये का चेक वितरण करने के आदेश भी प्रशासन को दे दिए गए, जिस पर तहसील प्रशासन द्वारा हर घर जाकर 5,000 का चेक वितरण भी किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों को आपदा चेक न मिलने से गुस्साए ग्रामीणों ने आज उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बॉबी राठौर के नेतृत्व में तहसील का घेराव कर खटीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट को ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि गली में अगर 10 घर हैं तो 5 घरों को चेक वितरण किया जा रहे हैं और बाकी 5 घरों को चेक वितरण नहीं किए गए हैं। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बॉबी राठौर ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन किसी दबाव में काम कर रहा है या फिर उनकी नीयत में खोट है जो सभी को चेक वितरण नहीं किए गए हैं। साथ ही कहा कि कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने एक ही परिवार के 5 से 10 चेक ले लिए हैं और कुछ परिवारों को एक भी चेक वितरण नहीं किया गया। साथ ही बॉबी राठौर ने कहा कि हमने उपजिलाधिकारी महोदय से चेक वितरण की जांच की मांग की है। अगर पीड़ितों को चेक वितरण नहीं किया जाता है तो हमारे द्वारा खटीमा में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं खटीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने मीडिया को बताया कि सभी आपदा पीड़ितों को चेक वितरण किया जा चुका है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर ADM महोदय द्वारा भी जांच की गई थी और पटवारियों द्वारा भी चेक वितरण की जांच की जा रही है। अगर जो भी पीड़ित को चेक वितरण नहीं हुआ है तो उनको भी चेक वितरण किया जाएगा। आज से लगभग 1 महीने पहले खटीमा ब्लॉक के अंदर आपदा, एक बहुत बड़ी आपदा आई थी जिससे कि यहाँ पर बहुत जनहानि हुई, लोगों का बहुत नुकसान हुआ। उसको लेकर ये हमारी सरकार ने ये आदेश किए कि हर किसी व्यक्ति को जो है हम सहायता राशि अनुसार तुरंत 5,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। ये हमारी राज्य सरकार ने घोषणा करी और उसके बाद चेकों का वितरण शुरू हुआ। और लेकिन आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1 महीने हो जाने के बाद भी वो चेक जो है लोगों को नहीं पहुँच पा रहे हैं। जिन लोगों को नुकसान है उन लोगों को वो चेक नहीं पहुंच पाए हैं और कई चेक ऐसे देखने को यहाँ पर मिल रहा है कि कई चेक ऐसे हैं जो एक परिवार में एक चेक जो सरकार ने घोषणा करी थी उसके विपरीत उन कई परिवारों में दो दो तीन तीन चार चार चेक भी पहुँचे हैं और कई परिवार में एक भी चेक नहीं पहुँचा है। अगर मैं खटीमा क्षेत्र की बात करूँ तो खटीमा क्षेत्र के तमाम लोग अपना राशन पानी, 1 साल का राशन पानी गेहूँ और धान के रूप में अपने घरों में रखते हैं और वो सब नुकसान हुआ है। किसी का सोफे का, किसी के खाने का, किसी के कपड़े, किसी के कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस आपदा में कहीं ना कहीं से प्रभावित हुआ था। लेकिन 1 महीना हो गया है, उस 1 महीने के अंदर भी आज पूरे खटीमा क्षेत्र के अंदर जितना भी जगह पर आप देखेंगे, उस पूरी जगह में आप नज़र मारेंगे तो जो लोग हैं, जो पात्र हैं, उनको सभी पात्रों को वो चीज़ नहीं मिल पाई है, 5,000 का चेक नहीं मिल पा रहा है। और कई जगह ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि एक ही परिवार के लोगों ने 10-10, 5-5, 6-6, 7-7 चेक लिए हैं और उससे सीधे ये हमें नियति में जो है खोट दिखाई दे रही है, नियति में खोट अधिकारियों को दिखाई दे रही है कि या तो वो दबाव में काम कर रहे हैं या उनकी नियत में खोट है। उसी को लेकर आज हम एसडीएम साहब के पास यहाँ पर आए हैं। एसडीएम साहब से हमने जनता के साथ जाकर मिले हैं और उनसे निवेदन किया है कि जो पात्र है उनको तत्काल चेक दिया जाए जिससे कि जो सरकार ने घोषणा करी है पात्रों को वो चेक मिले, जिससे कि उनको जो नुकसान तो उनका बहुत ज़्यादा हुआ है लेकिन चेक से थोड़ा बहुत जो राशि है वो उनको मिल जाए, जिससे कि एक जो घाव है उसमें मलम का काम जो सरकार ने अपना घोषणा दिया है उस पर मिल पाए। तो हमने SDM साहब से निवेदन किया है कि अपने अधिकारियों को भी वो टाइट करें जिससे कि पात्रों को पैसा मिल सके। SDM साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि मैं तुरंत कार्रवाई करके जो पात्रों को चेक नहीं मिले हैं उनको मैं चेक दिलाने का काम करूंगा। नहीं, निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं एक बू आ रही है, लोगों को नहीं मिल पा रहा। इतनी सारी तमाम जनता ये बेवकूफ तो नहीं है कि ये जनता यहाँ पर इतनी सारी यहाँ पर आई हुई है, यही निवेदन करने आई है कि आप अधिकारियों को टाइट करें, या तो वो दबाव में काम कर रहे हैं या उनकी नियत में कहीं ना कहीं खोट है। निश्चित रूप से कई परिवार ऐसे हैं जो सामाजिक लोग हैं उनको भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो पटवारी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखो, हमारी गरीब जो जनता है वो अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती है, वो डरती है,
झेपती है, झेप उनके अंदर होती है, लेकिन इस आपदा की पीढ़ी में हम लोगों ने एसडीएम साहब से भी किया, वो झेप हटाकर अधिकारी वहां तक पहुंचे और उनको तत्काल राहत दे। निश्चित रूप से अगर इनको चेक नहीं मिलेगा हम आंदोलन होगा सर, आंदोलन थोड़ा और वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से एक इस खटीमा के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जो इसका इसका इनका इसका खामियाजा सरकार को, राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। पात्र लोगों को लगभग चक्र का वितरण किया जा चुका है, लेकिन कुछ पात्र व्यक्ति छूट गए हैं, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में एडीएम साहब ने भी यहाँ पर जांच की थी और साथ ही साथ हमारे पटवारी लोग भी जांच कर रहे हैं। जो पात्र व्यक्ति छूट गए हैं तो उनको भी चक्र का वितरण किया।